गुड इवनिंग एवरीवन। और आज एक्चुअली बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे ऐसे काम थे जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था। बट आज थोड़ा सा दोबारा से शूट स्टार्ट किया है। थोड़ी सी एडिटर को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी सॉर्ट हो गई है और अब हम अपना आगे का शूट करने वाले हैं और अब कंटिन्यूटी में काम करेंगे। आपको जो मेरी लाइफ से जुड़ी और बहुत सारी नई नई चीज़ों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। अभी हम जा रहे हैं एक अपने दोस्त से मिलने, फ़िलहाल उनको आप बहुत अच्छे से जानते भी हो और आप सोच रहे होगे ऐसा कौन है जिन्हें आप जानते हो, तो मैं इसलिए सरप्राइज़ रखता हूँ और आपको एक एक कर से उनके लिए मुलाकात कराएंगे, उनसे मुलाकात कराएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, किन से मिलने वाले हैं और आज देखिए आपको घर बैठे हम किस से मुलाकात कराने वाले हैं। तो ये देखना है और ये जानना है तो वीडियो आगे तक तो देखने पड़ेगी। चले चलते हैं। पहला सरप्राइज है जो हमारे दोस्त जिसे आज हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं, तो वहाँ पहुँच गए हैं अभी दिल्ली से, जहाँ से मेरा घर है वो आपको शायद ठीक है, वो भी एक सरप्राइज है। अभी हम पहुँचे हैं लाजपत नगर अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। आज हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे मगर पहले दोस्त से जिससे मिल रहे हैं आज उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। चलिए रोहित खुराना और ये हमारे पहले गेस्ट हैं आज के। अच्छा, अच्छा क्या हो रहा है आज? आज ये हो रहा है कि आज हम जिन दोस्तों से मिलने वाले हैं वो आज दिखाने वाले थे कि आज हम किस किस दोस्त से मिलेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। और कुछ हमने कुछ पुरानी दिल्ली के खानों का भी इंतजाम किया है स्पेशली। ये है ड्रोन शॉट मैन और आज हम कहाँ आए हैं, इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पे। और अब आप देखो वाओ अमेजिंग, और ये चल रहा है इंडिया गॉट टैलेंट का शूट। वाओ कैन यू सी दैट, ये सारे ड्रोन कैसे नीचे लो डाउन हो रहे हैं, किस तरीके से नीचे आ रहे हैं। वाओ अमेजिंग, see this, oh my god, matlab it's such a beautiful view, you guys will love it, I'm sure about it. aap logo ye ये ड्रोन उड़े और ये देखो ये डाउन 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 नीचे आए और ये ड्रोन okay, नीचे आ रहे हैं। वाओ अमेजिंग गाइस, यू कैन सी दैट अमेजिंग। ये शूट चल रहा है अभी, मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये रोहित अर्जुन शूट पे है, ये पब्लिक ये चल रहा है इंडिया गॉट टैलेंट का शूट जो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ अभी जो स्टार्ट होने वाला है। इसके जो ड्रोन शॉट थे वो भी मैंने दिखाया, जो प्रिपरेशन थी वो भी दिखाई है और ये किस तरीके से ऑडियंस बैठी होती है ये भी देख लो आप सब लोग। अच्छा ठीक है, जो ये अर्जुन की वैनिटी है मैं आपको इसका इनसाइड व्यू दिखा रहा हूँ। वैसे तो वैनिटी बहुत अलग अलग होती है यार, मगर अभी फ़िलहाल ये देखो वैनिटी के अंदर क्या क्या होता है ये आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल एवरीथिंग। अच्छा जो हमारे सबसे पहले मेहमान थे ना जो वहाँ पर अंधेरे में दिख नहीं पाए थे, आसिम भाई हैं हमारे पास आ गए। ये थे हमारे पहले मेहमान, हमारे दोस्त। क्या हालचाल जनाब? ये तो हमारे वैसे हैं तो दिल्ली वाले और दिल्ली वालों की तो बात ही अलग होती है। बात तो सही है।
हमने सोचा कुछ मेहमान नवाजी दिल्ली वाले करके दिखाए बम्बई वालों को जो अभी कुछ देर में आएंगे, उनके भी कुछ शॉट चल रहे हैं जो मैंने दिखाया बीच में वो भी शॉट पे, और उसके बाद कुछ दिल्ली की मेहमान नवाजी होगी। और हमारे वो कहते हैं ना मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो यार रोहित भाई को यार बड़ा लोग पसंद करते हैं, हमारे व्लॉग में भी देखा, तुम्हारा इंटरव्यू भी लोगों ने बहुत पसंद करा। तो यार लोगों को बताओ जो आने वाला है कुछ सरप्राइज बता दो, कहाँ देखने वाले हैं? अभी दो तो आ चुकी हैं, एक ब्रीद आई है Amazon Prime पे अभिषेक बच्चन के साथ, करेक्ट, उसके बाद अभी रिसेंटली आई थी क्लास नेटफ्लिक्स पर, अभी दो और पाइपलाइन में है, एक आएगी अनुभव सिन्हा की राजकुमार राव के साथ वो भी नेटफ्लिक्स पे आ रही है, और उसके बाद आएगी फिर श्वेता तिवारी के साथ वो आएगी अतरंगी पर। अच्छा ये जो नया लुक रोहित ने अभी अपनाया इसके पीछे कोई खास वजह है यार? ये बड़े लोग जानने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं मुझे। ये देखिए ये कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया मेरा, तो कोरोना के दौरान जो है शूटिंग वूटिंग बंद हो गई थी, तो मैंने कहा खाम खा केमिकल क्यों डाला जाए अपने बालों में। अच्छा तो डेढ़ साल जो है वो शूटिंग बंद रही, और उसके बाद मैंने कलर करना बंद कर दिया, और जब ये लुक आया तो मैंने कहा कि चलो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया इस लुक को। Exactly. Because salt and pepper जो लुक है वो बहुत रेयर लोगों के बीच में आता है, तो मैंने कहा चलो एक नई पारी जो है वो कोशिश करते हैं इस लुक के अंदर। और जिस चीज के लिए मैं काफी सालों से वेट कर रहा था कि मैं अपने टेलीविजन मीडियम को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता था और वेब सीरीज में घुसना चाहता था, जिसके लिए मैं काफी सालों से लगा हुआ था, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस लुक के बाद मैंने ऑलरेडी अभी ये टोटल 5 वेब सीरीज कर ली है। वाओ। और अब जुलाई में मैं बहुत बड़ी सीरीज करने जा रहा हूँ, उसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा। Exactly. वो वक्त आने पे करूंगा। अच्छा बहुत सरप्राइज है जो अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक और वेब सीरीज रोहित की आने वाली है, वहां एक बहुत धमाकेदार एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को निभाने वाले हैं, और वो कुछ कैरेक्टर हमसे ही जुड़ा हुआ है, तो वह हम सरप्राइज ही रखेंगे, बताएंगे नहीं, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो रोहित भाई हमारे साथ हैं, अभी एक और मेहमान आने वाले हैं हमारे, मतलब मेहमान क्या दोस्त है हमारा, वो तो मैं ज़्यादा फॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आशिम भाई आए थे हमारे लिए, बहुत बढ़िया सा खाना भी साथ में लेकर आए, क्योंकि ये हमारा बड़ी सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों में। और देखो ये रोहित भाई यहाँ बैठ के खूब दबा के मीठा, मतलब किसी को खाना है तो मीठा नौश फरमा सकते हैं। काजू की काजू कतली है, काजू कतली है, और ये मेरी फेवरेट है मिठाई, ये इनकी फेवरेट है, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। ओके वैसे तो मीठा बंद है, मैं डाइट पे हूँ और नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं वैनिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं एक एक्टर के लिए, वो मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी LED लगी हुई है, स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं, नीचे माइक्रोवेव है, फ्रिज है। अच्छा ठीक है, ये एक AC इधर लगा हुआ है, ये बेडरूम है एक तरीके से, ये बेड बना हुआ है, मेकअप रूम भी होता है अटैच्ड, एंड आफ्टर दैट आई टेक यू टू दी बाथरूम। अच्छा डबल बाथरूम होते हैं इसमें, मगर ये ओके ओके, एक ये बाथरूम होता है और एक लेट मी शो यू समथिंग। ओके ठीक है, मतलब इससे बढ़िया क्या होगा यार, ये बहुत अच्छी, मतलब बॉम्बे में और भी अच्छी फाइनेस्ट वैनिटीज होती हैं, बट यहाँ के हिसाब से क्योंकि ये इस वक्त शॉट जो चल रहा है ये दिल्ली में है, इसलिए थोड़ा सा, और सामने मिरर में मैं खुद माई सेल्फ, अभी बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज बाकी हैं, तो आगे देखिए। दोस्त की मैं बात कर रहा था, मुंबई से आया मेरा दोस्त, और दोस्त को सलाम करो। आइयो, और दूसरे दोस्त से ही मिला था, एक दोस्त से तो मिल ही लिए थे, ये कौन है, कौन है, ये हमारा दोस्त। अच्छा कोविड से, कोविड के बाद आज मुलाकात हो रही है, है ना यार, कैसे यार, इज्जत रखना मेरी, ये भगवान ने तुझे धरती पे रख लिया, मैं इज्जत तो रखी सकता। हाँ ये बात, ये हमारा दोस्त, कोई बात नहीं, असल में अर्जुन का यही नेचर है। हाँ। और यही एग्जैक्टली जो ऑन स्क्रीन दिखता है ऑफिस में भी अर्जुन ऐसे ही है, बहुत जॉली और बहुत जबरदस्त, और ये ऑन स्क्रीन भी वैसे ही, ऑन स्क्रीन का तो पता नहीं कभी देखा नहीं, लेकिन ऑफ स्क्रीन बड़ा प्यारा है, और आज मेरे लिए ढेर सारा खाना भी लेकर आया है। हाँ वो पुरानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से बहुत बढ़िया खाना लेकर आया हूँ, और देखो दिल्ली की मेहमान नवाजी मशहूर है, मेरा भाई आया तो ऑब्वियसली तो बनता है, तो चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और हम पहुंच गए हैं अब अर्जुन के होटल खाना लेके, और फाइनली वी हैव टू रीच द रूम।
एंड नाउ आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस. तो गो टू द हॉस्पिटल. नहीं नहीं वैसा वाला सीरियस नहीं है, बट नॉर्मल सीरियस है. और देखो भाई, भाई मिले मुझे दो सुपरस्टार जब गए थे तो मामला अलग था, मिले तो मामला अलग. मतलब ये बालों पे है ना सारी बात. जब गया था तब ऐसे ही गए थे, ऐसे ही गए थे और मेंटेन कर रखा, कलर कराया है इसने. हाँ हाँ ये बात है, ऐसा होता नहीं, हर किसी को मिलता नहीं है. बॉलीवुड लुक है पूरा भाई. हाँ और इसीलिए मैंने कहा पूरा बॉलीवुड डीआर में एक फ्रेम में किस तरह कैप्चर करूँ, ये मुझे मौका मिला है आज. गजब बेइज्जती है. Now we have done with the dinner. और खाना कैसा रहा? अर्जुन से पूछ लेते हैं. रोहित भाई कैसा रहा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ रोहित. मैं मतलब दिल्ली आता हूँ, रिश्तेदार भी हैं, सब है, लेकिन सो स्वीट ऑफ हिम कि वो स्पेशली वहां से इतने दूर से आया और खाना लेकर आया और कहा कि यार दिल्ली का खाना मैं आपको खिलाता हूँ, पुरानी दिल्ली का. yes. और बिरयानी लेकर आया और ढेर सारी चीजें लेकर आया. सिर्फ मेरे लिए नहीं लाया, उसको लगा कि अर्जुन के साथ अगर 7-8 लोग और होंगे तो उन सबके लिए लेकर आया. अच्छा कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? बिरयानी. बिरयानी चिकन चंगेज. चलो जब भी नेक्स्ट आओगे लोगों को बिरयानी पसंद. नहीं नहीं अब जब भी अर्जुन आएंगे तो बिरयानी खिलवाएंगे, नहारी जरूर खिलवाएंगे. नहारी तुमने नहीं, दिल्ली की नहारी बहुत मशहूर है, वो हमारा वादा है और वो हम जरूर खाएंगे. और अब हम जा रहे हैं जरा पार्टी करने, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस. फाइनली मैंने अर्जुन को, रोहित को, मतलब रोहित को घर और अर्जुन को होटल ड्रॉप कर दिया. अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, पार्टी ओवर हो गई है. बहुत बढ़िया सीन था रात में. एक्चुअली क्या मेरे पास कैमरा मतलब इतना क्लियरिटी का जो भी था, मतलब जो भी मैं शॉट्स दिखा पाया बस वही थे. पार्टी बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी और बहुत क्राउडेड थी, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं किया. भीड़ बहुत थी, भीड़ में होता है पार्टी कर लो. ठीक है, मैंने शॉर्ट्स आपको दिखा दूँ. आज के ब्लॉग में आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा. इस तरीके के बहुत सारे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, दिखाता रहूँगा. और मेरे लिए भी बूस्टअप होगा, मगर यार उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाता रहूँ, अपने दोस्तों से मिलाता रहूँ, अपनी लाइफ स्टाइल के कुछ झलके आपको दिखाता रहूँ. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.